अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम सीखेंगे वाउचर क्लास बनाकर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हमने ये वीडियो 6 भागों में बनाई है, जिसका ये 5वां भाग है। इसके पहले के 4 वीडियोस में हम आपको लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कस्टमर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, एडवांस्ड पैरामीटर सेट करना और बैंक लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको वाउचर क्लास बनाकर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताएंगे। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके पहले के 4 पार्ट्स जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। यहां हमने वही कंपनी ओपन कर ली है जिसमें हमने पिछली वीडियोस में भी काम किया था। इस कंपनी में हमने पहले से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल किया हुआ है। अब सबसे पहले हम एक सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। हमने 1 जुलाई को श्याम ट्रेडर्स को 25,000 रुपए प्रति नग के भाव से बीपीएल टीवी 20 इंचेस के 4 नग उधार बेचे। माल देते समय हमने कस्टमर से कहा कि यदि आप ये माल उधार खरीदते हैं तो आप जब भी इसका पेमेंट करने आएंगे आपको 2% मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कस्टमर हमारी बात से सहमत हो गया और उसने माल खरीद लिया। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहां हमें श्याम ट्रेडर्स का लेजर सेलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, इसलिए पहले तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो आ रही है। ये सब क्या हैं, इन्हें कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। पहले के वीडियोस में हमने आपको एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उपयोग करना बताया था, पर इस वीडियो में हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए F12 की प्रेस करके यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स को नो कर रहे हैं। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस करके एंटर प्रेस करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन को नो ही रहने देंगे। रेट में 2% टाइप करेंगे। यहां कैलेंडर मंथ सेलेक्ट करेंगे। यहां पर डेबिट बैलेंसेस ओनली सेलेक्ट करेंगे। अब इस लेजर को सेव कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमें न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है। देखिए यहां वही नंबर आ रहा है जो हमारे बिल का है। हम एंटर प्रेस करते हुए इस बिल को सेव कर लेंगे। 1 अगस्त को श्याम ट्रेडर्स हमें ब्याज सहित पेमेंट करने आया है, तो चलिए सबसे पहले हम उससे प्राप्त होने वाले इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि जब हमें किसी कस्टमर से क्रेडिट सेल्स पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं, और इसी तरह जब हमें किसी सप्लायर को क्रेडिट परचेस पर इंटरेस्ट देना होता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। अब चूंकि हमें सेल्स पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। डेबिट नोट वाउचर में इंटरेस्ट की एंट्री हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट पर जाकर ये देखना होगा कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है और फिर डेबिट नोट में जाकर मैन्युअली इंटरेस्ट की एंट्री करना होगी। इस बारे में हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। दूसरा तरीका ये कि यदि हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर डेबिट नोट में आ जाए तो उसके लिए हमें डेबिट नोट में वाउचर क्लास बनानी होगी। वाउचर क्लास क्या है इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ध्यान रखें इन दोनों ही तरीकों से डेबिट नोट बनाने पर बुक्स पर एक ही जैसा इफेक्ट आता है। चलिए अब देख लेते हैं कि डेबिट नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं।
वाउचर क्लास बनाने के लिए हमें डेबिट नोट वाउचर की अल्टरेशन स्क्रीन पर जाना होगा। अब अल्टर के लिए ए प्रेस कर रहे हैं। अब वाउचर टाइप पर जाएंगे और यहाँ डेबिट नोट पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए वाउचर टाइप अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। इसमें हम एंटर प्रेस करते हुए नेम ऑफ क्लास पर जाएंगे। अब चूंकि हम इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए वाउचर क्लास बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ इसका नाम टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसा करते ही देखिए एक नई स्क्रीन ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। इसका मतलब है कि क्या आप इस क्लास को इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हम इसे यस कर रहे हैं और इसे सेव कर रहे हैं और अब इस स्क्रीन को भी सेव कर लेंगे। हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम से वाउचर क्लास बना ली है। अब इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करें। अब डेबिट नोट वाउचर के लिए ऑल्टर के साथ F5 की प्रेस करें। ऐसा करते ही इस तरह की विंडो आएगी और यदि नहीं आती है तो 2-3 बार एस्केप की प्रेस करें या फिर टैली को एक बार बंद करके चालू कर लें। इसमें हमें यहाँ क्लास सिलेक्ट करना है। यदि हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। हम इंटरेस्ट की एंट्री करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल वाउचर क्लास पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया है और यहाँ ऊपर वाउचर क्लास का नाम भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेट चेंज करके वो तारीख टाइप कर लेते हैं जिसमें हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। हमेशा ध्यान रखें वाउचर क्लास में इंटरेस्ट तभी सही कैलकुलेट होकर आएगा जब आप यहाँ सीधे डेट टाइप ना करते हुए F2 प्रेस करके और फिर डेट टाइप करें। DR में उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसके खाते में हमें इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट करना है। ये देखिए पार्टी का नाम सेलेक्ट करते ही इंटरेस्ट डिटेल्स की एक विंडो आ रही है। इसमें हमें जितने भी बिल्स का इंटरेस्ट लेना होगा उनकी डिटेल्स दिखाई पड़ेगी। चूंकि हमें इस पार्टी से एक ही बिल का इंटरेस्ट लेना है, इसलिए हमें एक ही बिल की डिटेल दिखाई दे रही है जिसमें उसका बिल नंबर, उस बिल पर किस तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो रहा है, कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है, उसका बिल अमाउंट कितना है और उस पर कितना इंटरेस्ट बना है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इंटरेस्ट की वाउचर क्लास बनाई है, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट अपने आप ही कैलकुलेट होकर आ रहा है। यदि यहाँ पर एक से ज्यादा बिल होते तो हमें उस बिल को सिलेक्ट करना होता जिसका इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर एक ही बिल है जो कि सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में उस बिल का नंबर टाइप करेंगे जिसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। यहाँ पर उसकी डेट टाइप करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए डेबिट में अपने आप इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। इसमें टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करके अब पेंडिंग बिल्स में से उस बिल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ये देखिए अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट अपने आप आ गया है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब CR में इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर सिलेक्ट करेंगे। यदि आपकी कंपनी में ये लेजर बना हुआ नहीं हो तो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत इसे बना लें। यहां पर नरेशन टाइप करेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम पार्टी के लेजर पर चलकर देख लेते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ये देखिए अभी हमने जो डेबिट नोट बनाया है वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम पार्टी की लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं
अब इस रेफरेंस के पेंडिंग अमाउंट में बिल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों मिलकर यहां पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कस्टमर ने हमें 1 अगस्त को ही बिल अमाउंट 1,00,000 रुपए और 2,000 रुपए ब्याज के दे दिए। तो चलिए अब इसकी रिसीट बना लेते हैं। यहां श्याम ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे, यहां पर पार्टी से जो अमाउंट प्राप्त हुआ है वो टाइप करेंगे और यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए पार्टी का पेंडिंग बिल दिखाई दे रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेबिट में कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे, यहां नरेशन टाइप करेंगे और अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि क्रेडिट सेल्स पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग करके इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री कैसे करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम जो क्रेडिट परचेस करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसे कैलकुलेट करने के लिए वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक परचेस की एंट्री कर लेते हैं। हमने 1 जुलाई को सप्लायर 4 के इनवॉइस नंबर 78 से बीपीएल टीवी 20 इंचेस के 10 नग 20,000 रुपए प्रति नग के भाव से उधार खरीदे। माल देते समय सप्लायर ने हमसे कहा कि यदि ये माल आप उधार खरीदते हैं तो जब भी आप इसका पेमेंट करेंगे आपको इस पर 2% मासिक ब्याज देना पड़ेगा। हमने सप्लायर की बात से सहमत होकर माल खरीद लिया। तो चलिए अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करें। अब यहां सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करें, यहां उसकी डेट टाइप करें, पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर 4 सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हम न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए रेफरेंस में सप्लायर के बिल का नंबर आ रहा है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये यहां पर इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो आ रही है और ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने पार्टी के लेजर में इंटरेस्ट पैरामीटर्स सेट करते समय ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस किया था। इस बारे में भी हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। इस बिल का हमें 2% इंटरेस्ट देना है इसलिए हम इसे चेंज करके 2 कर रहे हैं और अब इसे सेव कर लेते हैं और इस वाउचर को भी सेव कर लेते हैं। हमने माल 1 जुलाई को परचेस किया था और आज 1 अगस्त हो गई है। आज हम सप्लायर 4 को पेमेंट करने वाले हैं और जैसा कि हम आपको इस वीडियो में पहले बता चुके हैं कि हम क्रेडिट परचेस पर जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, इसलिए हम क्रेडिट नोट में वाउचर क्लास बना लेते हैं। वाउचर क्लास बनाने के लिए पहले ऑल्टर पर जाएंगे, यहां से वाउचर टाइप पर जाएंगे, अब क्रेडिट नोट पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। एंटर प्रेस करते हुए हम नेम ऑफ क्लास पर जाएंगे, यहां क्लास का नाम टाइप करेंगे इंटरेस्ट पेबल और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करके इसे सेव कर लेंगे और इस स्क्रीन को भी सेव कर लेंगे। ये हमने इंटरेस्ट पेबल नाम से वाउचर क्लास बना ली है। चलिए अब इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करें। अब क्रेडिट नोट के लिए ऑल्टर के साथ F6 की प्रेस करेंगे। यहां पर हमने इंटरेस्ट पेबल की जो वाउचर क्लास बनाई थी वो दिखाई दे रही है, हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो गया है, इसमें यहां पर क्लास का नाम भी दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले F2 प्रेस करके हम वो तारीख टाइप कर लेते हैं जिस तारीख को हम ब्याज का पेमेंट कर रहे हैं। ध्यान रखें F2 की प्रेस करके ही तारीख टाइप करें। अब CR में उस सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसे हम इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं।
ये देखिए पार्टी का नाम सेलेक्ट करते ही इंटरेस्ट डिटेल्स की विंडो आ गई है। अभी हमने सप्लायर से एक ही परचेस की है, इसलिए यहाँ पर हमें बस एक ही बिल का अमाउंट और उस पर बनने वाला इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर एंटर प्रेस करके और आगे जाते हैं। अब यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में सप्लायर के उस बिल का नंबर टाइप करेंगे जिसके अगेंस्ट हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी डेट टाइप करेंगे और अब एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए क्रेडिट में अपने आप इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है। एंटर प्रेस करते ही बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आ गई है। इसमें टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करें। अब उस बिल को सिलेक्ट करें जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। अब डीआर में इंटरेस्ट पेएबल का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि अभी बना हुआ नहीं है, तो पहले इसे बना लेते हैं। अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो ही रहने देंगे और अब इस लेजर को सेव कर लेंगे। यहां पर नरेशन टाइप करेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए उस वाउचर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बिल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जोड़कर उसके पेमेंट की एंट्री पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। तो इस तरह आज आपने देखा कि क्रेडिट सेल्स और परचेस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग करके इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल की एंट्री कैसे करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बारे में है उसे हम टैली के एडवांस्ड लेवल में बताएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।